हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी विल टॉकिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ योर अकाउंटेंसी बुक क्लास 11th एंड चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल. टुडे इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी विल टेल द रिमेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ योर अकाउंटिंग. सो द नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी मस्ट टेक कंसिडर द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द रिलेटेड आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी परचेज फर्नीचर एंड फॉर इनकरिंग फॉर डेट फर्नीचर वी स्पेंड ₹1000, दैट ₹1000 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. अगर हमने ₹1000 का कोई फर्नीचर परचेज करने में ₹1000 का एक्सपेंस करा है तो वो भी साथ में उसमें कंसिडर करना है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एविडेंस, द सपोर्ट. इट मीन्स सपोज वी आर डिपॉजिटिंग सम मनी इनटू बैंक, देन बैंक विल इशू अ स्लिप. इट इज द एविडेंस दैट द सर्टेन ट्रांजेक्शन हैव बीन फुलफिल्ड. अगर आपने बैंक में कुछ पैसा जमा करा है तो बैंक आपको एक उसकी स्लिप देता है और वो स्लिप इस बात का एविडेंस है, इस बात का प्रमाण है कि वो ट्रांजेक्शंस हुआ है. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट्स. इट मीन्स वॉट एवर ट्रांजेक्शंस आर हैपन इन टू द बिजनेस डेस्ट मस्ट बी सपोर्ट विद अ प्रॉपर एंड वैलिड एविडेंस. विदाउट अ प्रॉपर एविडेंस दैट ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी एज्यूम फुलफिल्ड. इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजन फॉर एडॉप्टिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बिकॉज कॉस्ट एक्चुअली पेड फॉर एन एसेट्स. On the contrary, another example I will take. If you deposit your fees in school, then in return of the amount, what issued will given? School will given a slip. It means you have deposited your fees. That is the concept of objectivity concept. Now, another topic of the same chapter, accounting conventions. अकाउंटिंग कन्वेंशंस मीन्स, कन्वेंशंस मीन्स रूढ़िवादिताएं, मान्यताएं. जो मान्यताएं हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में कुछ मान्यताएं पहले से चल रही हैं, इसी तरीके से अकाउंट्स में भी कुछ मान्यताओं को हमें पहले से ही कंसीडर करके चलना है कि जो पहले होता था वो आज भी है. एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में भी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज एडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट्स. अकाउंटिंग कन्वेंशन डिफर फ्रॉम कॉन्सेप्ट इन रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग. इन द दिस बेसिस ऑफ डिफरेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस, whereas accounting conventions are guidelines based upon custom or general agreement. इसका मतलब जो concept है वो legally है, लेकिन जो conventions है that are based on customs. Another one, accounting concept are the basic assumptions on which accounts are maintained. ये वो assumptions हैं जिसपे हम अपना account maintain करते हैं. But accounting conventions are followed in preparing the profit and loss account of balance sheet. The another one, accounting concept is uniform adoption, whereas in accounting conventions there is no uniformity. According to accounting conventions, we have three conventions. First, convention of full disclosure. It means while preparing the accounts, we have to record all the things
मस्ट बी शोड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी चीज को हम अकाउंट्स की बुक्स में हाइड नहीं करेंगे। ऑल थिंग्स मस्ट बी शोन टू ईच एंड एवरीबडी, वेदर दे आर क्रेडिटर्स, वेदर दे आर इन्वेस्टर्स और वेदर दे आर एनी अदर पर्सन। द अनदर वन कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी। मेटरलिटी मीन्स एनी थिंग विच हैव सम फिजिकल एक्सिस्टेंस। ऐसी कोई चीज जिसका कोई अपना फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, अपने स्कूल की बिल्डिंग है, उसका एक फिजिकल शेप होती है। जैसे कोई अपने क्लास का फर्नीचर है, उसका एक फिजिकल शेप होती है। तो डेट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। इट मीन्स इन अकाउंट्स वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज विच हैव द फीलिंग्स ऑफ मेटेरियलिटी डेट हैविंग सम फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिसका कोई अपना फिजिकल एक्सिस्टेंस होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई फिजिकली एक्सिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गुडविल ऑफ द फर्म। जो गुडविल है, जो बिजनेस की रेपुटेशन है, वो है तो सही बिजनेस की, लेकिन उसका कोई किसी भी तरीके का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। तो ध्यान रखना है, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी मीन्स दोज थिंग्स विच वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हैव सम फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड द थिंग्स विच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस दैट नॉट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपनी अकाउंट्स की बुक्स में वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो कहीं ना कहीं फिजिकली कहीं हैं, और जो फिजिकली किसी फॉर्म में नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मीन्स, इसको भी एक तरीके से रूढ़िवादिता कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अगर हमें लग रहा है कि कोई फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने एक गुड्स खरीदा 100 रुपए का, और हमें मालूम है कि वो 100 रुपए का गुड्स 120 रुपए में बिक जाएगा, तो वो जो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा उसको हम जब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो प्रॉफिट हो जाएगा, इसका मतलब सामान बिक जाएगा और बिकने के साथ साथ हमारी जेब में पैसा आ जाएगा। That is convention of conservatism. Another thing on the same side, if there is any future loss, अगर हमें लगता है कि कोई हमारा फ्यूचर में लॉस हो रहा है, तो उसको जब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें उसके बारे में पता चल गया। सपोज करो एक गारमेंट की कोई शॉप है किसी की, 100 रुपीज का उसने गारमेंट कोई परचेज करा, थोड़ा सा कलर फेड हो गया, डस्ट लग गई, कुछ इस तरीके से। अब वो गारमेंट का पीस 100 की जगह सपोज करो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना पड़ेगा 80 रुपीज पे, तो वो 20 रुपीज का लॉस हो गया। वो लॉस हम जब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें उसके बारे में पता लग गया, लेकिन प्रॉफिट जब रिकॉर्ड करेंगे जब उसके बारे में हमें, जब वो प्रॉफिट एग्जैक्टली हो जाएगा। डेट मस्ट बी क्वाइट नोटेड डेट इफ यू हैव एनी फ्यूचर प्रॉफिट that will be recorded when the profit will happen, and if you have any loss we will record it when it knows. I think that must be quite clear ki agar hamara koi future profit hai usko jab record karenge jab profit ho jayega, lekin agar koi loss hai to usko hum record karenge jab wo loss hame pata lag gaya. It is called convention of conservatism or prudence. Some example of this, closing stock is valued at cost price or realizable value whichever is less. हम अपने goods को उस value पे record करेंगे जो उसका market price है या उसकी cost value है, जो भी दोनों में से कम है। Provision for doubtful debt is created in anticipation of actual bad. So this chapter has been completed. Now the same page you have seen some questions, you have to read the chapter very thoroughly and write the questions, answer of that questions in your accountancy notebook. There are 3 questions in this page.
Then I am telling these, the question of answer of these question must be in your notebook. And in the this page, you have also seen the questions. In the these questions, these are based on short notes. So these are very important as per your curriculum of class 11th commerce specified by the CBSC. So read it, understanding it the chapter very carefully, because this chapter is the basic of all accounting, whether you are in class 11 or you are belong to any other higher class. So keep in mind the previous principles and conventions which I am telling you, and these are all very important as per your syllabus. So that's all for this chapter. Thank you.